हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे आपका ब्लॉग में ऐड इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपका ब्लॉग को एडसेंस के लिए क्वालिफाइड होने का ज़रूरत नहीं है। तो कैसे ये करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मेरा जिस अकाउंट में ब्लॉग है तो उस अकाउंट को मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन कर दिया और यहाँ पे ब्लॉगर को खोलूँगा। ब्लॉगर दिखा देता हूँ मेरा ब्लॉग में कैसा कंडीशन है। ब्लॉग के अंदर देखिए, मेरा ब्लॉग के अंदर देखिए, ये मेरा ब्लॉग, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अर्निंग में, देखिए अर्निंग में बता रहा है कि योर ब्लॉग डज नॉट क्वालिफाई फॉर एडसेंस। योर ब्लॉग डज नॉट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस, तो ये बता रहा है। तो और मैं यहाँ से व्यू ब्लॉग में क्लिक करूँगा, दिखा रहा हूँ आपको ब्लॉग को, ये ओपन हो रहा है। हाँ देखिए ओपन हो गया मेरा ब्लॉग और यहाँ पे कुछ एड फेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस जगह में मैं ऐड लाऊँगा। तो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये करने के लिए आपको एक एक्टिव एडसेंस अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मैं इस अकाउंट को लॉग आउट करना पड़ेगा। मेरा एक्टिव एडसेंस अकाउंट दूसरा कोई अकाउंट में है। तो इस अकाउंट में एडसेंस नहीं है, दूसरा कोई अकाउंट में एडसेंस है, एक्टिव एडसेंस अकाउंट। तो मैं उस अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड दे दिया मैंने, लॉग इन हो रहा है। आप मैं यहाँ से एडसेंस को ओपन करूँगा। जीमेल खुल गया, एडसेंस को मैं यहाँ पे यहाँ से ओपन करूँगा। हाँ यहाँ पे मैं एडसेंस को लॉगिन करूँगा। तो ये साइन इन में क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरा जिस अकाउंट में एक्टिव एडसेंस अकाउंट है उस अकाउंट को मैं क्लिक लॉगिन कर रहा हूँ एडसेंस में। तो लॉगिन हो रहा है दोस्तों। हाँ देखिए लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यह माय ऐड में जाके, हाँ देखिए माय ऐड खुल गया। तो मैं यहाँ से न्यू ऐड यूनिट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। हाँ देखिए ये स्क्रीन आ गया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। और हाँ देखिए यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्लाइडर दे रहा हूँ, SLIDER स्लाइडर। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन को ही रखना है आपको, और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले एड्स ये ऑप्शन को रखना है, और
सेव एंड गेट कोड यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हाँ देखिए यहाँ से मैंने इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी क्लोज करके मैं बंद कर रहा हूँ। और इस अकाउंट को लॉग आउट करना है आपको, क्योंकि उस अकाउंट को लॉगिन करना है इसलिए। तो मैं इस अकाउंट को साइन आउट कर दिया और उस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आप पेस्ट करके रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक उस अकाउंट को लॉगिन करूँगा। देखिए दोस्तों ट्यूशन जॉनसन इस अकाउंट लॉगिन हो रहा है। यहाँ से मैंने ब्लॉगर को ओपन करूँगा। ब्लॉगर देखिए ब्लॉगर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे लेआउट में जा रहा हूँ। लेआउट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ से आप स्लाइडर टॉप स्लाइडर बॉटम, तो यहाँ से मैं यहाँ पे मैं ऐड डालूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ऐड ए गैजेट यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यह HTML जावास्क्रिप्ट ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो कुछ अब नाम दीजिए ऐड नाम दे रहा हूँ मैंने और यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे ध्यान रहिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देंगे आप और इस लाइन को पूरा डिलीट करना है और फिर भी यहाँ पे सेव करना है सेव। और मैं ब्लॉक को व्यू कर रहा हूँ। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड आ गया, यहाँ पे ऐड आ गया। ठीक है दोस्तों आप ऐसे आप ऐड इंसर्ट कर सकते हो आपका ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।